अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय H&H मोबाइल्स हब चैनल। तो आज हम आपके लिए रेडमी नोट 12 8128GB की बॉक्स ओपनिंग लेके आए हैं। तो हम आप वाओ ब्यूटीफुल, तो हम आपको इसका कैमरा, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, इसका डिस्प्ले, इसकी बैटरी MAH और इसका प्रोसेसर के बारे में आपको गाइड करेंगे। और इसके आपको हम स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में, इसके प्रोसेसर के बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी हम बॉक्स ओपनिंग शुरू करते हैं। तो ये हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के बॉक्स ओपन कर दिया है। तो अब सबसे पहले जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है वो ये ऊपर हमें एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर हमें एक इसका सिलिकॉन पाउच अवेलेबल है। ठीक है, ये सिलिकॉन पाउच अवेलेबल है, उसके साथ ही इसकी साइड पे सिम ओपनर अवेलेबल है, दिया हुआ उन्होंने आपको। ठीक है, उसके साथ ही हम अगर मोबाइल को बाहर निकालें तो ये स्काई ब्लू कलर है इसका। ठीक है, और इसका बहुत ही प्यारा मेरे ख्याल से AMOLED इन्होंने इसका डिस्प्ले दिया हुआ है, 16x6.7 इंच डिस्प्ले के साथ। तो ये अब हम सेट ओपन किया, तब तक मैं आपको, ये ऑन हो रहा है, तो तब तक मैं आपको इसके चार्जर के बारे में थोड़ा सा गाइड करता जाता हूँ। इसका इन्होंने 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर साथ अवेलेबल किया हुआ है। इन्होंने 5000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ इन्होंने फास्ट चार्जर 33 वॉट का अवेलेबल किया हुआ है। तो उसी के साथ इन्होंने आपको केबल अवेलेबल की हुई है, सी टाइप केबल इन्होंने अवेलेबल की हुई है आपको साथ में। ठीक है, उसके साथ ही ये सेट का डिस्प्ले ऑन हो गया है, उसके अलावा इन्होंने आपको साथ कुछ भी नहीं दिया। कहा था कि हैंड फ्री वाला मामला की कदम कर दिए हैं। तो हम अपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर डिस्प्ले को ऑन करते हैं तो साथ ही साथ में आपको डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा गाइड करता जाता हूँ। तो डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपको गाइड करूँ तो इसमें ये आता है AMOLED डिस्प्ले का, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। AMOLED डिस्प्ले इन्होंने इसका दिया हुआ है 7x16.67 इंच डिस्प्ले है, इन्होंने साथ अवेलेबल किया हुआ है। 120Hz है ये डिस्प्ले। तो उसके साथ मैं आपको इसके कैमरे के रिव्यू के बारे में अगर बताऊँ तो इन्होंने 15MP बैक कैमरा और 13MP इसका इन्होंने आपको साथ फ्रंट कैम दिया हुआ है। तो उसके साथ ही अगर हम, मैं इसको ओपन करके अगर आपको इसके कैमरे वगैरह के बारे में थोड़ा सा अगर आपको गाइड कर दूं साथ साथ तो ये और बेस्ट हो जाएगा। तो ये सेट ऑन हुआ हमारा। तो अगर मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में साथ साथ बताता जाऊँ तो मैंने आपको पहले बताया था ये 8128GB में अवेलेबल है। इसमें दो वेरिएंट है, एक 6128 है और एक 8128 है। तो मैं आपको इंशाल्लाह 8128 के बारे में भी बता रहा हूँ, तो साथ ही साथ हम 6128 के ऊपर भी ज़रूर आपको बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह उसके ऊपर ही होगी। वाओ ब्यूटीफुल। तो अगर मैं इसके, तब तक आपको एंड्रॉयड वेरिएंट के बारे में बता दूं तो एंड्रॉयड वेरिएंट इसका 13OS एंड्रॉयड वेरिएंट है। ठीक है, और ये ड्यूल सिम के साथ अवेलेबल है, साथ मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है इसके। तो अगर मैं आपको कैमरे वगैरह के बारे में इसके रिव्यू कह रहा था तो ये इसका कैमरा रिजल्ट है। तो इंशाल्लाह अभी भी हमारा चैनल नया है, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको इसके फ्यूचर्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में आपको हम साथ साथ गाइड ज़रूर करेंगे। मेरे ख्याल से जितने इन्होंने 50MP कैमरा इन्होंने साथ दिया है, तो मेरे ख्याल से ये 15MP कैमरा जो है कोई ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा। अगर इसी तरह ही अगर हम सैमसंग वगैरह के 15MP कैमरे की बात कर लें तो आपको पता ही होगा वो कैमरे क्या होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका ये फोकस वगैरह को इतना ज़्यादा ख़ास है। मगर फिर भी अगर हम इसको नॉर्मल यूजिंग के हिसाब से बात करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट चीज़ है। डिस्प्ले इसका इन्होंने बहुत खूबसूरत दिया हुआ है, इसकी बॉडी शेप इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत दी है। इसकी बॉडी शेप मेरे ख्याल से Realme C35 जैसी इन्होंने दी हुई है, और इसका साइड फिंगरप्रिंट इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, AMOLED डिस्प्ले होने के बावजूद भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं, साइड फिंगरप्रिंट इन्होंने आपको अवेलेबल किया हुआ है। इसका मतलब है तो अगर मैं आपको
फ्रंट कैम के बारे में बताता जाऊं तो मेरे ख़्याल से फ्रंट कैम कोई इतना ख़ास नहीं अवेलेबल किया हुआ है इन्होंने, मगर उसकी कोई मसला नहीं, जाहिर सी बात है नॉर्मल यूजिंग सेट है तो गेमिंग वूमिंग के लिए भी इतना मेरे ख्याल से ये बेस्ट नहीं है। ना ही मुझे इसका कोई प्रोसेसर इतना ख़ास लगा, क्योंकि इन्होंने ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया हुआ है 610 के साथ, स्नैपड्रैगन 610 के साथ इन्होंने प्रोसेसर दिया है। मुझे नहीं लगता कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 685/6nm प्रोसेसर मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। तो बाकी बैटरी एम एच इसकी काफ़ी इन्होंने अच्छी दी हुई है, 5000mAh इसकी इन्होंने बैटरी अवेलेबल की हुई है, तो वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से बेहतर है यूजिंग के हिसाब से। तो अगर मैं साथ साथ आपको इसकी प्राइस भी बताता जाऊँ तो ये जो पाकिस्तानी प्राइस के साथ अवेलेबल है ये है 65000 में अवेलेबल है पाकिस्तान में इसकी प्राइस, ये 65000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जो जो भाई हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह ताला अब हम आपको इससे भी अच्छे अच्छे लेटेस्ट मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़, इंफॉर्मेशन देते रहेंगे साथ साथ, तो हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। ओके।